Hi, my name is Mukund Goyal, Chairman, Ananda Group of Hotels. उस समय पता है डिलीवरी मतलब हम लोग सब मिला के मेरे दादाजी थे उनके 5 बेटे थे तो बॉम्बे में सारा काम था ही जैसे जस्ट लाइक LMB यहाँ पर जितनी फेमस थी वैसे कालवा देवी में अपनी मिठाई की जो शॉप थी प्लस बहुत सारी जमाने भर की मिठाइयाँ बनती थी तो बचपन हम लोगों का खूब मस्ती में बीता खूब खेले कूदे खूब अब बॉम्बे अब मैं जैसे मिठाई की दुकान पे जाता तो मेरा मन नहीं लगता वहाँ पर क्यों वहाँ पर देखता तो मैं कहा कि करने को कोई काम ही नहीं खाली गल्ले के ऊपर कैश काउंटर पे बैठ जाना और बस कैश गिन लेना जो आया वो मैं मेरे को कभी काम पसंद ही नहीं आता था ग्रोथ ही नहीं थी कि कहीं वो फर्म डाल के हम लोगों ने ज्वेलरी का काम सीख गया पन्ने का काम रफ का रफ हम लोग खरीदते थे फिर उसको बनाते थे उस काम में हमारे को लगाया गया तो 61 के अंदर जयपुर शिफ्ट हो गए तो मेरे को काम सीखना था क्योंकि मेरे को काम आता नहीं था वो मैं जब देखता था वहाँ पर काम तो ये काम को सिखाने वाले मतलब एग्जैक्टली ऐसा कोई नहीं था कि कोई काम मेरे को सिखा दे जो कुछ दिनों में देख लिया मेरे को कि मेरे को खुद को ही सीखना पड़ेगा कोई सिखाने वाले नहीं मतलब नॉन प्रोडक्टिविटी काम वो कराते रहते थे मैंने कहा मुकुंद जब तक काम नहीं सीखेगा ना तू तेरी कोई पूछ नहीं होने वाली इस दुनिया में उसी की पूछ होती है जो काम जानता हो जो काम कर सकता हो तो मैं तो रात दिन उसी के अंदर लग गया 63 में मेरी शादी हुई थी उस समय ज्वेलरी का काम करते थे ज्वाइंट फैमिली की जो शॉप थी ज्वेलरी बाजार में उसके अड़ोस पड़ोस जितनी दुकानें थी ना वो सब सांगाने के प्रिंट की बगरू प्रिंट की टाई एंड डाई की ये सारी दुकानें थी फॉरेनर्स उस काम चीज को बहुत लेके जाते थे बहुत पसंद करते थे तो मेरा तो आइडिया हमेशा चलता रहता था कि यार खुद की एक कलेक्शन बनाए थोड़ा अब कलेक्शन तो बना लिया है तो ऐसे फर्स्ट शिपमेंट गई और फर्स्ट शिपमेंट में जैसे बना के भेजा तो उसका रिपीट ऑर्डर चलता गया बढ़ बढ़ के चलता गया तो मेरे को एनकरेजमेंट ऐसा मिला कि मैं और डिजाइन सैंपल बना बना के भेजते जाता था आगे से आगे लेकिन एक्सपोर्ट बने तो कहाँ भेजें कैसे करें क्या करें तो पता चला कि दिल्ली के अंदर अशोका होटल के अंदर गारमेंट फेयर लगने वाला था वही गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन एक बना हुआ था दिल्ली के अंदर उसके अंदर अप्लाई करना पड़ता था पहली बार जाके गारमेंट का एक्सपोर्ट में उसका हम लोगों ने सारा पार्टिसिपेट किया फिर बढ़ता गया एक हिंदुस्तान से टोटल एक्सपोर्टर और आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस सांगानेर बगरू प्रिंट एंड टाई डाई इन द वर्ल्ड मार्केट उसके पहले तो कोई था ही नहीं करता ही नहीं अवार्ड्स हमारे को मिले अलग अलग कैटेगरी होती थी तो हम लोग कैटेगरी में हमारे को 3 बार अवार्ड मिले और तीनों अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिलवाए मैंने गारमेंट्स का बिजनेस खूब जबरदस्त जोर से किया मेरे को लग्जरी आइटम जिसमें ग्लैमर हो लग्जरी हो उसका मेरे को बड़ा शौक था तो फॉरेन जाते थे अलग अलग होटलों में रुकते थे अलग अलग होटलों का देखते थे ठीक है 2004 में खरीदी और ये होटल खुली थी 2010 में तो 1988 के आसपास की बात है कि संजय बिजनेस में गारमेंट एक्सपोर्ट का बिजनेस था हमारा तो संजय ने भी ज्वाइन किया कि मैंने कहा और क्या बिजनेस करेगा तो सीधा अपना बिजनेस है और ग्रो कर रहा है मेरे को हेल्प की ज़रूरत है तो संजय ऐसे संजय की एंट्री हुई जैसे आशीष ने जब काम आशीष आना आ गया काम में आशीष के कस्टमर था ऑस्ट्रेलिया को वो आशीष को भी पसंद करता था वो आशीष को पूछता हुआ आता था किसी से पढ़ती नहीं जिसे फिर आ गए मोहित आ गए आशुतोष आए राघव आए मेरे पास अभी पूरी की पूरी फोर्स है कि हम 50 होटल 100 होटल और भी बना लेंगे तो मेरे को पता है कि संभालने वाले हैं तो मेरा एक सपना था जिस समय कार्लसन ग्रुप रेडिसन में हम लोगों को ये हम लोग कंटिनेंट स्वीट्स था ब्रांड वैल्यू उस समय पता चला कि ब्रांड का क्या इम्पोर्टेंस है कि मैंने कहा लाएंगे तो अपनी ब्रांड लाएंगे इस ब्रांड को हम जैसे कार्लसन ग्रुप फ्रेंचाइजी देता है वैसे हम लोग भी करेंगे